यात्रा आज अयोध्या पहुंची हुई है। अयोध्या वो जगह जो राम के नाम से प्रसिद्ध है, एक धार्मिक स्थल जो एक लंबे समय से चुनावी मुद्दा रही, और राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि हम राम को लाए हैं और हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सत्ता पर आएंगे। लेकिन जो असलियत है, जो सच्चाई है, वो कितनी क्या होगी, नतीजे क्या होंगे, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन लड़ाई जो है इस पूरे अयोध्या के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में, वो काफी दिलचस्प है। बीकापुर विधानसभा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यह अयोध्या की बहुत ही प्रमुख विधानसभा है, और यहाँ पर अगर चुनावी समीकरण की बात करी जाए, लड़ाई की बात करी जाए, तो जिस तरह से साफ तौर पर बात को कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल बीजेपी के सामने नहीं टिक रहा है, तो भाई साहब ये बात पूरी की पूरी गलत है। क्योंकि 4 बार की मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अपने प्रत्याशियों के जरिए उन्हें यह संदेश दे रही है कि आप जनता के बीच जाइए, उनकी समस्याओं को सुनिए और सरकार की नाकामियों के बारे में बताइए। सुनील पाठक साहब को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले वो जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनता से ये बताया कि बसपा की सरकार थी तो कितना क्या काम हुआ, मौजूदा सरकार में किन किन कमियों पर सरकार ने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, और दलितों, वंचितों और बाकी लोगों पर जिस तरह से सरकार जो मौजूदा है उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अगर आपको एक बार फिर से अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करवाना है, उत्तर प्रदेश का बेहतर विकास कराना है, तो बसपा की सरकार को जिताइए, ऐसा उनका कहना हमारे साथ मौजूद है। सुनील साहब, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इस विधानसभा की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की लड़ाई, अयोध्या की बात है, अयोध्या मंदिर निर्माण के बाद लगातार बीजेपी की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि जो काम हमने कर दिया वो कोई करना नहीं चाह रहा था, और उसी मुद्दे पर वो ये कह रहे हैं कि इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव हम जीत जाएंगे, अयोध्या छोड़िए उत्तर प्रदेश पूरा हम जीत रहे हैं, कोई भी हमारे सामने नहीं है, अयोध्या की क्या सच्चाई? अयोध्या में, ये अयोध्या विधानसभा से अलग विधानसभा है, ये बीकापुर विधानसभा है, डिस्ट्रिक्ट वही है। यहाँ पे 2012 में, 2007 में बीएसपी चुनाव जीती थी और उसको दोहराने जा रही है बीएसपी, और जनता में हम लोग दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं हर वर्ग में, पिछड़ा, मोस्ट बैकवर्ड, ब्राह्मण में, दलित समाज में, और एक दलित समाज का जो बहुजन का वोट है, बहुत बड़ी थाती यहाँ पे है, 1,10,000 मतदाता हैं, ब्राह्मण समाज 65,000 है, और जो मोस्ट बैकवर्ड हमारा है लगभग 1,25,000 वोट है वो, ये सारे लोग उसमें, हर वर्ग के लोग, ऐसा नहीं है उसमें, बहुजन समाज पार्टी में यादव भी कुछ दे रहा है, ठाकुर भी दे रहा है, मुसलमान भी दे रहा है, सारे समाज का आशीर्वाद और प्रदान है हमको, हमका सबको आशीर्वाद मिल रहा है, और सारे लोग 5 साल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 5 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार रही, इन्होंने नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया, और बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, उन्होंने नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बुनकरों के लिए, महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं को लागू करके उसे चलाया है, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में नौकरी का मामला रहा हो, चाहे पुलिस विभाग का मामला रहा हो भर्ती का, चाहे वो सफाई कर्मी, 1,25,000 भर्ती उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश में 4 बार के मुख्यमंत्री काल में मानी बह जी ने 23 लाख नौजवानों को रोजगार दिया है, और इतना काम किसी ने नहीं कर पाया, किसी ने नहीं किया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इन्होंने कुछ नहीं किया। अयोध्या की बात भी हो रही है, क्योंकि ये तो बीकापुर विधानसभा है जहां से आप प्रत्याशी हैं, अयोध्या की बात करी जाए, अयोध्या के मुद्दे पर लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, देश में चुनाव हुआ है, इस बार थोड़ा सा मामला बदला हुआ है, क्योंकि बीजेपी कह रही कि हमने मंदिर निर्माण करा दिया तो वहां से तो कुछ हो ही नहीं सकता किसी भी राजनीतिक दल का, कितनी सच्चाई है? ये पाखंडी लोग हैं, झूठे लोग हैं, फरेबी हैं, ये देश की जनता से, नौजवानों से झूठ बोल करके ये सरकार बनाना चाहते थे, और जनता इनके जो ये झूठे लोग हैं, फरे भी हैं, जनता इनकी बातों को समझ चुकी है, और इनके बहकाव मानने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में मानिया बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, और ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि ये हिंदू हैं, मैं जो भगवान श्री सीताराम जी महाराज की कुल देवी हैं, बड़ी देव काली महारानी, मैं उसका महंत हूँ, और मैं सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ करके घर से निकलता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ, और इनके लोग चरित्र क्या, आप लोग जानते हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं क्या चरित्र है, हम में लगेंगे वो लोग, और हम लोग पूजा पाठ पुजारी हैं,
भगवान को भी मानते हैं, महारानी के भक्त हैं, जो भगवान श्री सीताराम जी की कुल देवी हैं, बड़ी देवकाली, उसमें देवी भागवत में लिखा है, सारी बातें उसमें लिखी हैं। हम लोग क्या अधर्मी हैं? बसपा में तो अधर्मी हम लोग हैं। हम धर्म को हम लोग सबसे ज्यादा मानने वाले हैं। ये धर्म के व्यापारी हैं, हम लोग धर्म के पुजारी हैं। दोनों बड़ा अंतर है, व्यापार कर रहे हैं लोग। इस विधानसभा की बात करी जाए तो बहुत बेहतर विकास नहीं हुआ है। अगर सड़कों की बात करी जाए, पानी निकासी की बात करी जाए, किसानों की समस्या भी बहुत अहम है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मैं कई जिलों में गया हूं, वहां पर मुझे पता चला कि किसान रात भर अपने खेत की रखवाली कर रहा है क्योंकि जानवर उसकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सारी जो समस्या है, उन समस्याओं से भी क्या आपको यहाँ पर रूबरू होना पड़ रहा है? जीतते हैं तो कैसे इनका निराकरण करेंगे? 90% आप देख लीजिए, आप पूरी ईमानदारी देख लीजिए, पश्चिमी भाग में चले जाइए, 90% सड़कें नष्ट हैं, इंडिया मार्ग का टू नष्ट है, विद्यालय का आता पता नहीं, स्वास्थ्य केंद्र पे अगर दवा है तो डॉक्टर नदारद है और डॉक्टर है तो दवा नदारद है। आपने ये जो सड़क की बात की, निश्चित रूप से हमारे इस विधानसभा का, जिले का और पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश का किसान बहुत परेशान है। वो लागत लगा रहा है, सड़क सब चल ले रहे हैं, पूरा खा जा रहे हैं, बड़ी स्थिति खराब है, वो किसान बहुत परेशान है, किसान गुस्से में है। इनको किसान, ये किसान की हत्यारे लोग हैं। आपने देखा खीरी लखीमपुर में 6 किसानों की दर्दनाक हत्या करने वाले कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा टोनी उसका जो बेटा, जो उसने 6 किसानों की दर्दनाक मौत दिया है, और 700-800 किसान आंदोलन, एक साल भर उन्होंने आंदोलन किया, 800 किसानों की मृत्यु हुई आंदोलन में। ये किसान विरोधी सरकार, ये किसानों को जमीन को हमला करना चाहते थे। किसान को मैं बहुत किसानों को, देश के किसानों को बधाई देना चाहता हूँ, आंदोलन करके, और ये कानून जो काला कानून ला रहे थे, इसको इनको वापस करना पड़ा, और किसान बहुत नाराज, इनको देने वाला नहीं है किसान, नहीं जो मोस्ट बैकवर्ड इनके साथ चला गया था, ये धर्म का जो घुंघरू बजा करके उसको अपने साथ ले गए थे, इनको एक वोट देने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी 50 सीट के अंदर उत्तर प्रदेश पाने जा रही है, उत्तर प्रदेश मानिया बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही, कोई रोक नहीं पाएगा। राशन की बात सबसे अहम है इस बार उत्तर प्रदेश में। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने घर घर राशन पहुंचा दिया, और ये भी कहा जा रहा है कि हमने आवास और शौचालय भी दे दिए। इस बात का कितना असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ रहा है? क्या कोई असर है ग्रामीण परिवेश में? क्या ये बातें सही हैं? राशन कहाँ से दे रहे हैं? घर से दे रहे हैं, टैक्स लगाए हैं, डीजल पर 28 बार टैक्स, पेट्रोल पर 28 बार टैक्स, और गैस सिलेंडर पर 28 बार टैक्स, टैक्स लगा करके जनता के पॉकेट में डाका डाल रहे हैं। वो पैसा निकाल करके वो 2-3 रुपया किलो आटा चावल दे रहे हैं, वहीं पे कड़वा तेल 250 रुपया मिल रहा है, डीजल का दाम जो 50 रुपया था वो 100 रुपया हो गया, गैस का दाम जो 376 रुपया था वो 1000 रुपया हो गया है, पेट्रोल का दाम जो 60 रुपया था वो बढ़ा करके लोगों ने 110 रुपया कर दिया है। इनके पाखंड और झूठ फरेबी में जनता आने वाली नहीं है, वो जनता ये अपने पास नहीं दे रहे, वो टैक्स डकैती करके दे रहे हैं, 100 रुपया डकैती कर रहे हैं, 2 रुपया दे रहे हैं। जनता समझ चुकी है, और इनको अब की इनकी समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश क्या होने वाला है। जनता जनमानस हर वर्ग का, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, सारे लोग इनसे भयभीत हैं। तमाम ब्राह्मण नौजवानों की हत्याएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम दलितों को, गरीबों को फंसाया गया है मुकदमे में, 700 ब्राह्मण नौजवानों का कत्लेआम उत्तर प्रदेश में योगी के शासन में हुआ है। उसको ब्राह्मण समाज, दलित समाज, बैकवर्ड समाज, मोस्ट बैकवर्ड भूलने वाला नहीं है, इनको ठीक कर देगा वो। ये तो बात हो गई बीजेपी की, आपकी लड़ाई कुछ और विपक्षी दलों से भी है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से एक हो गई है, शिवपाल सिंह यादव आ गए हैं साथ में। कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, बेटियों के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे कोई लड़ाई? ये लोग तमाशबीन रहेंगे इस चुनाव में, तमाशा देखेंगे। लड़ाई जो लड़ेगा बहुजन समाज पार्टी से लड़ेगा, बहन मायावती जी से लड़ेगा, और ये लोग तय कर रहे हैं कौन लोग दूसरे पर रहेंगे। ये भ्रम क्यों फैलाया गया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी के साथ जा सकती हैं? देखिए, ये तो अभी गर्व में है, कोई बात सामने नहीं है, और सरकार बनाएंगे हम उत्तर प्रदेश में, सरकार बनाने जा रहे हैं। 2007 में सरकार हमारी बनी थी, मानिया बहन जी 4थी बार मुख्यमंत्री थी, और 5वीं बार 13 मार्च को आप देखिएगा
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। आखिरी सवाल मेरा, इस उत्तर प्रदेश की जनता और इस विधानसभा की जनता के लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे, वोटिंग कैसे करें? तीन फेज के चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है। जनता से, जनता का पूरा पूरा आशीर्वाद है। और एक सवाल आपने और किया था कि क्या करेंगे आप, मैं एक जनता के बीच में जा करके, माननीय जनता हमको जो हमारा हमारे देवतुल जनता जो है इस विधानसभा की, मैं हम लोग उनके पास जाएंगे और चौपाल लगा करके पूछेंगे कि किस ग्राम सभा में, किस ब्लॉक में क्या होने की आवश्यकता है, क्या विकास के काम हो सकते हैं, उसको हम पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। बात करने के लिए तो ये थे सुनील पाठक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार एक अलग बयार चल रही है और उस बयार के जरिए उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी। बीजेपी की अगर लड़ाई किसी पार्टी से है तो वो सिर्फ बसपा से ही है और बसपा लगातार अपने प्रत्याशियों के जरिए जनता के बीच जा करके संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जो कार्यकाल बसपा का रहा है वो किसी भी राजनीतिक दल का उत्तर प्रदेश में नहीं रहा है। नतीजे क्या होंगे ये देखना अहम होगा, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की ये लड़ाई जो है वो काफी अहम और दिलचस्प होती जा रही है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।